और इधर जब से इमरान खान ने पाकिस्तान की सत्ता संभाली है तभी से पड़ोसी मुल्क का बुरा टाइम शुरू हो गया। नया पाकिस्तान देने की बात कही थी, पाकिस्तान वाले तो सोच रहे हैं कि हालात इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिन ब्लैक फ्यूचर की ही मुनादी कर रहे हैं। पहले ही दुनिया के तमाम वित्तीय संगठनों ने पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया है और अब एक हंगर इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में भुखमरी के चलते हालात भयावह हैं और ये बहुत मुमकिन है कि आगे भी इसी तरह के हालात जारी रहें और बदतर हो जाएं। क्यों और कैसे, ये रिपोर्ट बताएगी। खस्ताहाल पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है। खाने पीने से लेकर हर जरूरी सामान के लिए मारामारी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार के पास पैसे की भारी किल्लत हो चुकी है। इमरान खान की न्यू पाकिस्तान में वित्तीय संकट गहराया हुआ है, वो भी बीते कई सालों से। पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज है, जिसके चलते हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि वहां की आवाम को भूखा मरना पड़ रहा है। लाखों पाकिस्तानियों को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के इस आर्थिक संकट की वजह क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में भुखमरी की नौबत आई है। तो जान लीजिए, इसकी पहली वजह है इमरान खान का ठप्प सिस्टम और दूसरी वजह है कालाबाजारी। इसी के चलते पाकिस्तान का हर शख्स दाने दाने के साथ पाई पाई के लिए भी मोहताज हो चुका है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने अपने मुल्क की गरीबी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। खस्ताहाली से निजात पाने के लिए इमरान खान ने जिससे भी कर्ज मांगा, हर किसी ने पाकिस्तान को फूटी कौड़ी तक उधार देने से इनकार कर दिया। इसी कड़ी में सबसे बड़ा नाम है IMF का। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं के सामने इमरान कटोरा लेकर खड़े हो गए। पाकिस्तान ने IMF से अपील की कि वो पाकिस्तान की GDP का 2% उधार दे, यानी इमरान खान IMF से करीब 38,000 करोड़ रुपए उधार लेने की फिराक में थे। मगर IMF ने पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा चढ़ते हुए कर्ज देने से साफ साफ मना कर दिया। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान पर 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज है और जब से इमरान खान की सरकार आई है तब से पाकिस्तान का कर्ज 70% तक बढ़ चुका है। एक रिपोर्ट की माने तो इमरान खान की सरकार ने हर दिन करीब 1400 करोड़ रुपए किसी न किसी संस्था से उधार लिए हैं, लेकिन जब से पाकिस्तान पर FATF का हंटर लगा है तब से हर वित्तीय संगठन पाकिस्तान से किनारा कर रहा है। बस इसी के चलते इमरान बाजवा लाचार हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।